गिनती का अमल शुरू हो चुका है। पोलिंग स्टेशन के अंदर हम मौजूद हैं और अंदर लेके चलते हैं और यहाँ माहौल दिखाते हैं कि गिनती का अमल शुरू हो चुका है और पोलिंग एजेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी पोलिंग एजेंट्स मौजूद हैं और आप जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं पोलिंग गिनती का अमल शुरू हो चुका है। तो आपको बता दें यहाँ पे पहले पोलिंग एजेंट से थोड़ी सी बात करते हैं। सर, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का पिछली बार बड़ा शोर था, फॉर्म 45 फॉर्म 47, तो इस बार तो कोई मसला नहीं आया? नहीं नहीं, इंशाल्लाह बहुत साफ और शफाफ हो रहा है, ठीक है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। सिक्योरिटी का और इन्वायरमेंट का बिल्कुल बहुत ही गुड एम्बिशन रहा है, ठीक है, कोई किसी किस्म का कोई जो है। अच्छा, कितने वोट पास हो चुके हैं यहाँ पे? टोटल 1100 वोट रजिस्टर्ड थे। जी जी, तकरीबन 35% जो है ना वोट यहाँ पे कास्ट हो चुका है। तो इंशाल्लाह अभी दूसरी साइड जो हमारी लोकेशन है पंजू वाली साइड, वहाँ पे अभी कैलकुलेशन हो रही है, तो इंशाल्लाह उधर से भी जो है ना अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। 1100 में से जैसा कि भाईजान बता रहे हैं टर्नआउट की बात कीजिए तो 35% या 30% कहा जा सकता है कि टर्नआउट आज था। जनरल इलेक्शन में क्या टर्नआउट था और यहाँ पे कितना था? तकरीबन 25 था तब, तो अभी इंशाल्लाह जो ये पिछले इलेक्शन से अब जो इलेक्शन हुआ ना ये बहुत ही अच्छा और साफ शफाफ हुआ है। इसमें ये कोई नहीं कह सकता कि इसमें कोई किसी किस्म की धांधली या 45, 47 या 49 कोई भी किसी किस्म का कोई इशू है ही नहीं। ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पोलिंग एजेंट के अल्फाज हैं और वो कह रहे हैं कि जी साफ शफाफ इलेक्शन था, कोई मसला मसाइल नहीं था और कोई ऐसी हमें दिक्कत पेश नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी पोलिंग एजेंट यहाँ मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। सर, पिछली बार तो गिले थे उन्हें फॉर्म 47 फॉर्म 45 के, इस बार आप लोगों ने मुझे लगता है काम कर दिए हैं। देखिए, ये तो फिर जब एक जब इलेक्शन की बात होती है तो फिर इन्वायरमेंट भी चेंज होता है, क्योंकि जब सियासी मुखालफीन अपने सामने होते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि इस मरतबा ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो किसी को किसी किस्म का कोई गिला शिकवा नहीं रहा, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा जो क्रेडिट है मैं समझता हूँ कि आम आवाम को ही जाता है कि जो, क्योंकि जब आप तजाद जब होते हैं, हम हाइप इतनी क्रिएट कर देते होते हैं कि पता नहीं, हम कहते हैं कि ये इलेक्शन नहीं है, ये कुछ जंग है, ठीक है। यहाँ कमरे में क्या हो रहा है अभी? जो है वो गिनती हो रही है, वोटिंग का अमल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अभी गिनती का अमल जारी है और इंशाल्लाह ताला जो भी हुआ उसको तय दिल से तस्लीम किया जाएगा। अच्छा, और टर्नआउट कितना था आपके हिसाब से, नून लीग के हिसाब से? देखिए, पहले की निस्बत जो है, क्योंकि अभी जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है, आवाम के जो हालात हो चुके हैं, पहले की बनिस्बत इस मरतबा जो है वो टर्नआउट थोड़ा सा ज्यादा था। पहले 20-25% था, अब तो गए सुनने में आया कम आया। नहीं, इस हवाले से अगर आप ओवरऑल देखे जाए तो कम है, क्योंकि इसमें आप कह लें कि जिसकी वर्किंग ज्यादा है वो ज्यादा लेगा और जो जिसकी वर्किंग कम होगी वो कम लेगा। ये आप देख ही सकते हैं, नून लीग और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स तो यहाँ पे मौजूद है। सर, आप कौन सी सियासी पार्टी से हैं? TLP से हैं। अच्छा सर, वोट शोट सही, काम शाम ठीक? सर, ठीक हुआ है काम, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, वोटिंग अच्छे तरीके से। और सर आप? जी जी, मैं भी तहरीके इंसाफ से। बहुत अच्छी टीम है माशाल्लाह, हर बंदा अपनी ईमानदारी से काम कर रहा है, कोई भी मतलब मसला नहीं है। बता दें हम इस टाइम कौन से पोलिंग स्टेशन पे मौजूद? ये पोलिंग स्टेशन है 83 है और अल्हम्दुलिल्लाह काउंटिंग का मरहला शुरू है, अभी कुछ 5-10 मिनट में इंशाल्लाह हो जाएगा। 164 काना में है और ये आपको वोटिंग का अमल भी यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे अगर थोड़ा सा बैठ जाए तो। सर, कैसा टर्नआउट था और गिनती जा रही है, क्या कहना चाहिए? ये यहाँ पे तकरीबन 1100 के करीब वोट थे टोटल, जिसमें से 395 के करीब कास्ट हुए हैं, राउंड अबाउट ये 35-37% के करीब बनता है ये टर्नआउट। और तो जिमनी में तकरीबन इतना ही टर्नआउट होता है, बड़े सुकून से पूरा मन तरीके से पोलिंग जो है वो मुकम्मल हुई है, अब गिनती का अमल जारी है, इसके बाद इनको फॉर्म 45 यहीं पर जारी कर दिए जाएंगे, किसी का कोई इतराज़ नहीं होगा। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी मौजूद है। सर, जितने पोलिंग एजेंट्स हैं वो तो बड़े मुतमिन नजर आ रहे हैं। हाँ, तो ठीक है माशाल्लाह, हम इनके सामने हमने फेयर किया जो हमारे पास था, ठीक है, हमने तो वही सारा कुछ किया है, इन सारों ने सारा प्रोसेस खुद देखा है, ठीक है, हमने जो जो मतलब वोटर आया तो उसको हमने वोट कास्ट उसका किया है, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ, ठीक है, हर एक ने गैर सियासी होकर हमने अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी की है।
बहुत शुक्रिया जी, ये आपको पोलिंग स्टेशन के अंदर गिनती का अमल भी यहाँ पे दिखा रहे थे, और ये जैसा कि आप देख रहे हैं गिनती का अमल जारी है, और इस टाइम पीपी 164 काला में हम मौजूद हैं। थोड़ा सा अगर कैमरामैन बाहर आए और हम इस साइड पे चले और आपको बताएं कि पोलिंग स्टेशन के बाहर के क्या मनाजिर हैं, तो आप देख सकते हैं पोलिंग स्टेशन बाकी अब एक कमरों में गिनती जारी है, और यहाँ तो ये तो खाली है सारे, यहाँ पे सारे बैलेट बॉक्स उठा के इस कमरे में यहाँ पे गिनती जारी है, और पुलिस के नौजवान अलर्ट खड़े हुए हैं, और पूरे अमल में पुलिस का बड़ा अहम किरदार रहा। आपने जैसा कि देखा कि अब गिनती का अमल जारी है, और तकरीबन पीपी 164 के जितने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे गिनती हो ही रही है। बाकी इस पोलिंग स्टेशन पे यहाँ पे भी गिनती का अमल शुरू हो चुका है, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको इधर से थोड़े से मनाजर दिखा दें, तो ये लोग हैं जी। बाकी पीपी 164 में पोलिंग स्टेशन के अंदर के क्या मनाजिर थे, गिनती के क्या मनाजिर थे, वो आपको बराह रास्त दिखाए क्या माहौल है। पोलिंग वोटिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है, 5 बजे पूरे वक्त पर वोटिंग का वक्त ख़त्म हुआ, और उसके बाद गिनती का अमल शुरू हो चुका है, और गिनती का अमल जारी है। इसी के साथ अपने मेज़बान औसाफ अली खान को शहज़ेब भट्टी के साथ उर्दू पॉइंट से काना लाहौर से दीजिए इजाज़त अल्लाह के बाद।